पर बैठ ने मेरे को इतना परेशान करके रखा है ना, वो क्या बॉल है तुमको, कुछ है ही नहीं मेरे पास बॉलने के लिए। बैठ इतना मेरे को सता के रखा ना, मेरे दिमाग खराब हो गया, मैं क्या बोलूं तुमको। अरे मैं उसको बोली बाहर जा, मजे कर, आवारा गर्दी कर, नाइट मार, किसके ऊपर लाइन मार, पर ये है कि इसको पूरा दिन घर पे पड़ा रहने का रहता है। ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों के साथ बाहर जाएगी और रात को 12 बजे के अंदर घर पे आ जाएगी। What is it, ऐसे थोड़ी चलता है। अभी रिसेंटली कोई तो मेरा बेटी का मेरे पास कंप्लेंट करने को आया था। मैं उनको बोली मेरा बेटी जैसे फ्रेश शाम का पेटी, तेरी माँ का मोगरा, मेरे बेटी का कंप्लेंट करेगा, मैं तेरे चोटी निकल के सी। मैं मेरे दोनों बच्चों को पहले ही बोल के रखा है, तुमको शादी करने का है तो करो, वरना मत करो, प्रेशर में आके कुछ करना नहीं चाहिए। प्रेशर लेने के लिए तुम क्या कुकर है क्या जो प्रेशर लेगा। मेरा बच्चा लोग बोलते हैं कि मेरे को जोक मारने से बैन कर देना चाहिए। शादी है ना, ऐसा दिल से निकलना चाहिए, ऐसा फेफड़ा बाहर आके ऐसा आपको बोलना चाहिए कि हाँ तुम शादी के लिए रेडी हो तो करना चाहिए। ऐसा आजू बाजू के लोगों को ऐसा की सुन के इतना बड़ा लाइफ का डिसीजन लेना नहीं चाहिए। शुड बी योर्स योर्स योर्स। और यह क्या लॉजिक है कि कोई बड़ा रहेगा तो उनको रिस्पेक्ट देने का, तो छोटा रहेगा तो क्या उसका सर पे टपली मार के निकल जाने का। नो, बड़ा रहे या छोटा, रिस्पेक्ट इज रिस्पेक्ट। मैं मेरे बच्चे लोग को पहले ही बोल के रखी है दैट एंड नोबडी इंसल्ट माय सन एंड डॉटर बैच। ऐसे कैसे कोई इंसल्ट करके निकल जाएगा, उनका बाल काट देगी मैं। मेरे बच्चे लोग है ना मेरे से कभी कभी डर के भाग जाते हैं, बोलते मम्मी तुम शांत रहो, मम्मी तुम शांत रहो। मैं बोल मेरे बच्चे लोग को कुछ नहीं होना चाहिए। ऐसे कुछ पेरेंट्स रहते हैं बाहर जो कुछ गलती होता है तो अपने ही बच्चे लोग को ब्लेम करता है। मैं उनमें से एक नहीं है। वाह शिवशंकर जी, यहाँ ना ऊपर वाले यहाँ नलचे जी, मेरे बच्चे लोग के लिए मैं हमेशा है इधर से डिफेंड करने के लिए ऐसा खड़ा है। बेटा डॉक्टर इंजीनियर अभी आउटडेट हो गया, आजकल का टाइम इज टू बी एन आर्टिस्ट, म्यूजिशियन, पेंटर, पेंटर, ऐसा कुछ प्रोफेशन चुनो जिसमें तुम खुश है। तो मैं मेरे बच्चे लोग को बोला है कि तुम अपने पैशन फॉलो करो। लोग क्या करते हैं, लोग क्या बोलते हैं, अरे बाढ़ में गया लोग, गटर का पानी में गया। ऐसा नहीं, ऐसा किसी को बोलना नहीं चाहिए, बोल देने का कभी कभी, दिल से कुछ निकलता है ना तो बोल देने का सीधा, ऐसा बोल देने का। मैं कभी कभी ना लोगों का बच्चे लोग को देखती हूँ और सोचती हूँ कि काश इनका बच्चे लोग मेरा बच्चे लोग जैसा होता, लेजी, केयरलेस, यूजलेस, ब्रेनलेस, एवरीथिंगलेस, ऐसा रहना चाहिए बच्चे लोग। अरे शर्मा जी की माँ का मोगरा, उनका पूरा फैमिली है ना एक नंबर का स्कैम है, सारे मिलके अपने को चूना लगा रहे, चूना। तुमको क्या लगा पैरेलल यूनिवर्स में है आंटी तो क्या गाली देगी, हाँ झापड़ा दू। इट्स टाइम टू से स्क्रू यू शर्मा जी एंड योर सन, माय सन इज नो लेस। तुम्हारा बेटे को है ना गोणी में डाल के धपाधप मार देंगे। अरे उसी दिन मेरे बेटे को इतना सुंदर ड्रेस पहनने का था, मेरे को बोलते नहीं नहीं मम्मी मैं ये नहीं पहनेगी, लोग क्या कहेंगे। मैं उसको बोली लुक डियर, लोग अगर तुम्हारे पीठ पीछे तुम्हारे बारे में कुछ भी बोलेंगे ना तो उनको बोलने का तुम पीठ पीछे ऐसा खड़े रहकर बात करने से अच्छा तुम मेरे पीठ का मालिश करके दो, तो क्या दोनों लोग का थोड़ा फायदा हो जाएगा। तुम्हारा मुंह ऐसा बड़ 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 चलता है ना, उससे जो तुम्हारा हाथ चलाओ थोड़ा तुम्हारा एक्सरसाइज होएगा और मेरा पीठ को अच्छा खासा मालिश भी मिल जाएगा। अरे बेटी मेरे को ऐसे ही देख रही, मम्मी अरे ओके आर यू फाइन, लोग क्या कहेंगे, ये क्या कहेगी, टिंकी क्या कहेगी, टिंका क्या कहेगा, ये अपने को कुछ करने का नहीं है, तुम वही करने का जो तुमको करने का है, यू डू यू बिच। मेरे को बिलीव नहीं होता है कि कैसे लोग मेंटल हेल्थ को इतना लाइटली लेते हैं, बोलते हैं मेंटल हेल्थ जैसे कुछ नहीं रहता है, ये सब दिमाग का खेल है, ये सब एकदम फालतू है, इसको कौन सीरियसली लेता है, ब्ला 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 टू 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 टैट। माय मेरे दोनों बच्चे लोग को बोली है अगर तुमको कभी भी ऐसा लगा कि तुम्हारा ब्रेकडाउन हो रहा है, तुमको मेंटली तुमको ठीक नहीं लग रहा है, मैं है मेरे से पर्दा लगा के नहीं रखने का, क्योंकि मैं तुम्हारी मम्मी है। ऐसा कर करके इधर छाती बाहर आ जाएगा, पर मैं है वही। अगर तुमको बोला ना तुम्हारा मेंटल हेल्थ का माँ का मोगरा है तो उसको बोलेगा तुम्हारे चाचा का माँ का मोगरा, आया बड़ा शान पट्टी मारने का, कान पट्टी में देगा उसको बोलने का, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड, ड्रिंकिंग शिंकिंग ड्रिंकिंग ड्रिंकिंग ट्रैकिंग इज अ पार्ट ऑफ लाइफ। कुछ भी रहेगा तो तुम मेरे से आके बात कर सकते हैं, मैं तुमको कभी जज नहीं करेगा। मजाक कर,
तुम नहीं रखेगा तो कौन रखेगा। आजकल के टाइम में सब चलता है, पता नहीं कौन ऐसा एकदम ऐसा बैकवर्ड बिहेव करता है कि ये सब अलाउड नहीं है, ऐसा नहीं करने का, वैसा नहीं करने का। देयर ऑल बोरिंग बोरिंग पीपल। आई एम नॉट लाइक देम। यू कैन कम टू मी एंड टेल मी एवरीथिंग। मजाक करें, सब मेरे को आगे बोल सकते हैं मैं बहुत मॉडर्न हूँ, तुमको तो पता ही रहेगा। पैरेलल यूनिवर्स में आके मैं कुछ भी बड़बड़ करूंगी ना, यू नो नोबडी इज गोइंग टू होल्ड मी अकाउंटेबल बिकॉज माय किड्स आर इन दैट यूनिवर्स ओनली फ्रॉम वेयर यू आर वाचिंग दिस वीडियो। तो मैं इधर कुछ भी बोलूं क्या फर्क पड़ता है। अरे मैंने मेरे बच्चों का ना पहले ही बोल के रखा है कि टॉक्सिक रिलेटिव्स को अगर जेला तो देखो तुम घर पे तुमको पैर रखने नहीं देगा। उल्टा उनके मुंह पे जाके बोलने का कि आप है ना मेंढक हो, आप सांप हो, आप रंग बदलो गिरगिट हो, आप तिरगिट था ना तिरगिट हो। तुम अपने जीवन में कुछ, वो अपने जीवन में, उनको जो करने का करने दो, दूरी तुमसे ठीक है, प्लीज उनको एंटरटेन मत करो। क्या जरूरत है फेक हाय हेलो कैसे हो तुम, मेरे को इंटरेस्ट नहीं पर मैं फिर भी पूछेंगे क्यों करने का ये सब है, क्यों कर रहे हैं। चुपचाप पार्टी करो, जाओ फ्रेंड्स के साथ घूमो, बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड ड्रिंकिंग श्रिंकिंग गो जाओ जाओ। देखो कभी कभी सेम जेंडर से अच्छा दोस्त है ऑपोजिट जेंडर वाले से होते हैं। तो तुम बोलते हैं कि तुम लड़की है तो लड़की से फ्रेंडशिप करने का, लड़का है तो लड़का से ही फ्रेंडशिप करने का, दूसरा जेंडर को आंख उठा के देखने का नहीं, पर्दा लगा के रखने का। तो तुम्हारे बच्चे को अगर ऑपोजिट जेंडर में अच्छा दोस्त मिल रहा है वो छोड़ के, तो तुम्हारा बच्चा क्या ऐसा बायकला जू में जाके चिंपांजी से फ्रेंडशिप करेगा। हाँ कुछ भी बोलते हैं कुछ लोग है ना, मेरे को लॉजिक नहीं समझ में आता। मैं मेरे बच्चे को बोली जिससे दोस्ती करने का करो, जिसके साथ घूमने का घूमो, जो करने का करो, सब कुछ आगे चुपचाप घर पे बताओ, माए कुछ नहीं बोलेगी। मजे कर रही हूँ, मैं वैसे कुछ नहीं बोलती बट जो बोलते हैं उनको भी नहीं बोलना चाहिए। तुम क्या करते हो, तुम जिंदगी में क्या कर क्या रहे, तुम व्हाट आर यू डूइंग यार सुशीला। आई एम जस्ट किडिंग, नाम तो मैं ऐसे रैंडम ले रही है सुशीला। ओके मैं अभी चलती हूँ, मेरे को दूसरे जगह पे भी जाने का, एक स्पीच देने को उधर भी मेरे को बुलाया है तो मैं। हेलो, अरे मम्मी वो आपका टप्परवेयर का डब्बा मैंने घुमा दिया है। अरे चलता है बेटा चलता है, तुम्हारे बाप का फैक्ट्री है टप्परवेयर में, जो तुम दो दो दिन में टप्परवेयर का डब्बा घुमा के आता है। अरे कार कार खोल के रखा है, तुमको क्या लगा मैं पैरेलल यूनिवर्स में है तो कुछ बोलेगी नहीं मैं तुमको। घर पे आके तुमको ऐसे झापड़ा झुपड़ा मारने वाले ना मैं तुमको, सच्ची बोलती हूँ तुमको। क्या एक तुम में शिस्त मिनट रुको, तुम एक मिनट, मैं जा रही हूँ, बच्चा टप्परवेयर का डब्बा घुमा के आया तुम उसके साथ तुमको भी मारेगी मैं, चलो चलो। What's up? So that was my take on mothers in parallel universe. There are so many things that I mentioned in this video which have never happened with me. I think my hair is very messy but it's okay yaar. But these are things that I've seen my friends go through, so I thought of making a funny quirky video on their experiences mixed with my experiences. Let me know in the comment section below if your mom is also like this. She would say one thing here but the totally other thing in the parallel universe. I shouldn't have even said parallel universe because my mom is literally like this in front of my friends. And then once my friends are gone and saying things like, oh my god auntie aap kitne cool ho, oh my god auntie aap na sunflower ke phool ho types of things, my mom comes in and she's like, wah mai to aisi bilkul bhi nahi hu, main bas tere friends ke samne fake ban rahi thi. Thank you so much for watching the video guys, do subscribe to my channel The Controversial Kid, bye.